ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आने वाला है। जो सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से ईगोइस्ट होते हैं, थोड़ी जल्दी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा इन लोगों को भी जल्दी आ जाता है। जो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। ये जो जून का महीना है आपके लिए बहुत सारी ट्रैवल लेकर आ रहा है। आप बिजी रहने वाले हैं, चाहे आप फैमिली को लेकर घूमने जाएं या किसी बिजनेस या किसी जॉब के पर्पज से आप बाहर जाएं, लेकिन ट्रैवल के योग पूरे पूरे हैं। आप बिजी रहने वाले हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा जो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, अदरवाइज जो टाइम है बहुत ही ब्लिसफुल रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही आप बरत सकते हैं, थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए। खाने पीने की चीज़ों में लापरवाही अगर करी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जून के महीने में आपकी जो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, कैसे रहने वाली है। ये जो टाइम है ब्लिसफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम है फैमिली टाइम है। आप अपने फैमिली को टाइम देंगे, घूमने जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बेवजह के आर्गुमेंट से बचें, नहीं तो जो अच्छा टाइम आया हुआ है आप उसको बेवजह बर्बाद कर देंगे। बेवजह के ब्लेम एक दूसरे पर ना कीजिए, अदरवाइज ये टाइम जो है आपके सपोर्ट में रहेगा। स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, ये जो टाइम है आपका जो फोकस है आपकी पढ़ाई से हट सकता है, आपके बॉडी के अंदर जो है आलस रह सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है एंजॉय करने का टाइम है। आपका जो फोकस है पढ़ाई से हटकर अदर एक्टिविटीज में लग सकता है, जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। जून के महीने में मैंने आपको पहले कहा है कि ट्रैवल के योग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, यात्राएं सफल रहने वाली हैं। जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अब वो आपको होती हुई नजर आ जाएंगी। तो ये जो टाइम है कहीं ना कहीं सपोर्ट में है आपके, बस अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, बेवजह की आर्गुमेंट से बचे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। जून के महीने के लिए जो लकी नंबर है वो है 9 और जो लकी कलर है वो है येलो एंड सी ग्रीन। अब बात करते हैं कि जून के महीने में ऐसा क्या करें जिससे जो जून का महीना है आपके फेवर में रहे। आपने सूर्य को प्रणाम करना है। जब भी आप सूर्य के दर्शन करें, जिस भी टाइम करें, आप हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर कीजिएगा। सिर्फ जल देने से ही सूर्य प्रसन्न नहीं होते, अगर आप हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते हैं उससे भी सूर्य आपके फेवर में आने शुरू होते हैं। अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, इससे भी आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग होगा और ये जो टाइम है आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। रेगुलर नहीं खिला सकते तो संडे के संडे तो ज़रूर खिलाइएगा, इससे जो जून का महीना है आपके फेवर में ज़रूर आना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं जून का महीना आपके फेवर में रहेगा, खुशियाँ लेकर आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तब तक के लिए सेव वाटर सेव ट्री। ओम नमः शिवाय।